नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। लखनऊ के रहमत नगर अमेठी में श्री श्याम सेवा परिवार भंडारे का आयोजन किया गया। गरीब लोगों के बीच भोजन वितरित किया गया। चार दिनों से लगातार भंडारे का आयोजन चल रहा है। श्री दुर्गेश कुमार निगम, आनंद कुमार निगम, अनु प्रशांत निगम, राकेश कुमार, जानू भाई आचार्य जी, विक्की, दीपक, अमरेश, सभी का सहयोग भंडारे में है। आप देख सकते हैं श्री श्याम सेवा परिवार भंडारे के आयोजन के साथ साथ कोरोना वायरस से बचने के लिए किस प्रकार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पुलिस कर्मियों को भी हाथ धुला रहे हैं और सामाजिक योगदान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य। आम पब्लिक के साथ साथ पुलिस को भी दे रहे हैं नसीहत। रिपोर्ट राकेश कुमार, ब्यूरो चीफ, लखनऊ। खाना थोड़ा रखवा दो जो कहें अब आपके जरूरत। प्रसाद ही बांटते हैं। प्रसाद जब बात बोलियो इधर थोड़ा देखे रहे हो। भैया और जिसको भोजन लेने आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। भोजन पानी भैया थोड़ा जाते हैं, थोड़ा नीच पे डालेंगे ना खाना पानी। आइए हम बात करते हैं कितना भ्रमण करके ये वो बिहार तक पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं कहां पे आए हैं। भैया दूर दूर हो, पहले दूर दूर हो, एक बैठे की कैपिंग चलो मिल रहा खाना। सबको बनवा क्या दीजिए, अब तो बांट क्या बनवाना है। चलो घुमाओ चले।
खाइए बड़े भाई, बहुत बढ़िया बना हुआ है, एकदम साफ सुथरा, ये जानते हैं आप खा चुके हैं। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के। अमेठी रहने स्थान है अपना रहमतनगर, यहाँ पे दुकान है। ये भंडारे की व्यवस्था जो गरीब है, जो जिनको नहीं भोजन उपलब्ध हो रहा है, सारे बूथों पर सारी इसकी व्यवस्था की जा रही है। सुबह शाम दोनों टाइम खाना ताज़ा बनाते हैं, प्रसाद के रूप से कभी भी पहुँचा है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें उपलब्ध? जैसे दोपहर में हम लोग पूरी सब्जी सैनिटाइजर किया जा रहा है, जिसको भी प्रसाद दिया जा रहा है, और प्लस पानी की व्यवस्था। शाम को जो भी दूसरी चीज़ अगर कन्वर्ट होती है तहरी टाइप से, भोज जो भी है, उसके साथ पानी के साथ सैनिटाइजर करके एक एक व्यक्ति जो बाहर से फंसे हुए यात्री हैं, उन सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। अपनी बस ये है कि कोई भी यात्री इधर से निकल रहा हो, सबको भोजन मिलना चाहिए। ये आपका मामला कब से चल रहा है? ये आज चौथा दिन। चौथा दिन कहाँ कहाँ हुआ अभी तक वितरण? ये आपका सलेमपुर जो चेक पोस्ट है वहाँ पे, चेक पोस्ट है चिन्हट चेक पोस्ट पे, और प्लस आपको तमता वाला, प्लस उतरसिया वाला। आप ये किसी सहयोग से कर रहे हैं कि आप लोग? नहीं, हम लोग खुद इसी कर रहे हैं। कोई सहयोग नहीं, कोई पार्टी, कोई नेता नहीं, कोई दल नहीं है इसमें। ये आज आम इंसान मानव जाति को इंसान के नाते। अच्छा ये बताइए, जो ये प्रधानमंत्री जो मतलब लॉकडाउन जो किए हैं, मतलब इसका क्या मतलब सिस्टम है? मैंने उसका पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। जो भी सेवादार जुड़े हैं सबको मास्क वगैरह सब देख के सैनिटाइजर करके सभी भोजन भरवाया जा रहा है। सब चीज़ की व्यवस्था जो भी आ रहे हैं आप देखे होंगे, यहाँ पे गोले वगैरह दूर दूर खड़े करके डेढ़ डेढ़ दो दो मीटर गैप करके ही प्रसाद वितरण किया जा रहा है, कि कोई भीड़ नहीं इकट्ठे होने दे, सबको यहाँ से भगा दिया जाए। जैसे कि मान लो आप जो है मतलब लॉकडाउन जो मतलब तोड़ रहे हैं, मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लॉकडाउन का तोड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लॉकडाउन का जो है, प्रधान मोदी जी के हम लोग सपोर्ट में ही है, और उन्होंने जो किया हमारे हित के लिए किया है। बस ये जो परेशान है, सभी से निवेदन है कि जो भी अपने पड़ोसी या कोई अन्य परेशान है, उसको गरीब को खाना अपने बगल में जितना भी हो जाए मुहैया कराए। बारह घंटे कंटिन्यू सुबह से रात, सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात में 10 बजे तक। जो यहाँ पे भी आते हैं परेशान आसपास से ग्रामीण वासी, जो घर वाले हैं जिनके घर में लेबर वर्क है, उनके घर में पहुँचाया जाएगा खाना, बाइकों से भी उनका संग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।